चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, या क्वेश्चन भी पार्टनरशिप अकाउंटिंग में देता है, तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते क्यों है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट मिलता है, फिर उस प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसमें से हम पार्टनर्स को कुछ रेमुनरेशन, इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करते हैं, फिर जो पैसा बचता है वो एज अ प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक डिफरेंस भी ये कर सकते हैं हम कि पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल अकाउंट में डिफरेंस होता है कि पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये पीएल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उससे प्रिपेयर हम करते हैं। चलिए एक बार इसका फॉर्मेट समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे की कुछ वीडियोस में इसके क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, दूसरा क्रेडिट साइड होता है। अब यहां डेबिट साइड में भाई सारे खर्चों को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में सारी इनकम को लिखा जाता है। ये खर्चे और इनकम यानी एक्सपेंस एंड इनकम जो होगा ये पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, न कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब साझेदारी फर्म को के लिए खर्च क्या है, अब साझेदारी फर्म के लिए आय क्या है, प्राप्ति क्या है। जैसे देखिए, आपको पहले से बैलेंस दिया होता है पीएल अकाउंट का, मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेंगे हम बाई साइड में, क्योंकि वो इनकम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द केस ऑफ प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो आप इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस या इन केस ऑफ लॉस। इसका यह मतलब हुआ कि खर्च है तो हानि है, इसलिए को डेबिट साइड में दिखाएंगे। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। उसके बाद देखिए, किसी भी पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो खर्च होता है। भाई मान लीजिए साझेदारी फर्म में तीन पार्टनर है ए बी सी, अब इनको हम इंटरेस्ट देंगे तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम लिखेंगे तीनों पार्टनर का इनर कॉलम में। तीन भी पार्टनर हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम दो, अधिक से अधिक 50, ऐसा फॉर्मेट मैं आपको केवल बता रहा हूं तीन पार्टनर का। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके टोटल करके हम फाइनल यहां दिखाएंगे। फिर उसके बाद सैलरी टू पार्टनर्स, जैसे कभी कभी किसी पार्टनर को एज ए एम्प्लॉय हम वर्क कराते हैं कि बाहरी लोगों से काम कराने से अच्छा है भैया किसी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हीं से किसी एक को काम दे दिया जाए, तो उसको सैलरी दिया जाएगा। जो भी पार्टनर्स को सैलरी देंगे वो सैलरी हम यहां लिखेंगे। हाँ, सैलरी कभी कभी पीएल अकाउंट में ही एडजस्टेड होती है तो उसको यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर नहीं लिखा होता तब यहां पर लिखा जाता है। उसी प्रकार कमीशन टू पार्टनर भी होता है, जिस प्रकार सैलरी होता है कमीशन, इन दोनों को हम रेमुनरेशन भी बोल सकते हैं। रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, मतलब कि किसी भी साझेदार को अगर हम काम के लिए रखे हैं, एक्स्ट्रा काम कराते हैं, तो प्रॉफिट के एडिशनल उसके काम के बदले उसको हम पारिश्रमिक देंगे। पारिश्रमिक में तीन चीजें होती है, एक तो सैलरी होता है, दूसरा कमीशन होता है, एक होता है बोनस। ये तीन चीजों को हम रेमुनरेशन में इंक्लूड करते हैं। जैसे यहां सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर है, आप डायरेक्ट रेमुनरेशन टू पार्टनर भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी फर्म की इनकम को कम करेगा, यानी खर्च होगा, उसको भी हम डेबिट में ही लिखेंगे। अब क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही एक ऐसी इनकम है जो कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से मिलता है जब वो पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करते हैं। तो जो भी होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में लिखेंगे, आप टोटल कर देंगे। अब डेबिट और क्रेडिट का जब हम टोटल करेंगे तो या तो ज्यादा होगा डेबिट वाला या तो क्रेडिट वाला। अगर डेबिट ज्यादा होता है मतलब खर्चा ज्यादा होता है, प्राप्ति कम होता है, तो लॉस होता है। तो इधर लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी लॉस आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे उस लॉस को वहां पे दिखाया जाएगा, उनके अकाउंट्स में माइनस कर दिया जाएगा। अगर बाय द वे क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट कम होता है, मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो उसको हम टू साइड में लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो रेशियो दिया होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो इक्वली प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स में डिवाइड करके यहां पे लिखेंगे, फिर बाद में उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।